वेलकम टू माय चैनल चमेली कुजीन। आज मैं बनाने जा रही हूँ लस्सी। मैं बना रही हूँ डिफरेंट फ्लेवर की लस्सी। ये है मैंगो फ्लेवर लस्सी, ड्राई फ्रूट फ्लेवर लस्सी, ये बना रही हूँ मैं कच्चे पपीते की लस्सी, और ये है हमारे मिक्स फ्रूट लस्सी। ये चारों डिफरेंट वैराइटीज़ है। इसके लिए मैंने लिया है एक छोटी कटोरी ग्रेटेड एप्पल। एप्पल को धो के अच्छे से ग्रेट कर लिया। उसमें मैंने एक चम्मच चीनी ऐड की है। इसे हमें कैरमलाइज करना है, चीनी मिक्स हो जाए और ये सॉफ्ट हो जाए। बस इतना ही कैरमलाइज करके हम इस तरीके से एप्पल को रख सकते हैं एक दो दिन के लिए। और आप अगर लस्सी बना रहे हो तो आप मॉर्निंग में इस तरीके से तैयारी करके रख सकते हो। ये लिया है मैंने एक कच्चा पपीता, एक छोटी कटोरी। ये सब मैं एक ग्लास के हिसाब से या एक बाउल के हिसाब से बना रही हूँ। उस पे भी मैंने चीनी ऐड कर दी है। अगर आप चीनी अवॉइड करना चाहते हो तो ब्राउन शुगर ऐड कर सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा केसरिया कलर डाल रही हूँ, ये फूड कलर है। इससे कच्चे पपीते का कलर चेंज हो जाएगा और बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इसमें मैंने कच्चा पपीता ऐड किया है। और ये भी हमारा कैरमलाइज हो गया है, चीनी मिक्स हो गई है अच्छे से। ये देखिए रेडी हो गया। अब मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, उन्हें रोस्ट कर लिया, वो बादाम, काजू, अखरोट, पिस्ता। अब ये घर का जमा हुआ दही है, ओवरनाइट जमाया था मैंने, और दही हमारा ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। पानी साइड करके मैं दही दही ले रही हूँ ताकि हम इसे अच्छे से बीट कर सकें। मलाई को मैंने साइड कर दिया है ताकि मलाई हम ऊपर डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं। ये मैंने दही ले लिया है। अब मैं इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डाल रही हूँ। लस्सी बना रहे हैं तो मीठी तो होगी, और इसमें हम तीन से चार चम्मच चीनी ऐड करेंगे। और ये बलून बीटर की मदद से मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आप चाहें तो घुटनी से भी मिक्स कर सकते हैं। अब हम रेडी करते हैं। इसके लिए पहले हम लेंगे ये फेंटा हुआ दही। दही हमने रेडी करके छोड़ना है, बाकी चीज़ों को हम तैयार करके रख देंगे, और जैसे ही हम सर्व करेंगे हम मिक्स करके इसे सर्व कर देंगे। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मैंगो प्यूरी। मैंगो प्यूरी में हमारा चीनी मिलाया हुआ था। आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसे मैंगो दही होता है वैसा ये बन जाएगा पूरा। इसे मिक्स कर दीजिए अच्छे से। इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कटे हुए मैंगोस, छोटे छोटे चंक्स में काट के आप इसमें मिक्स कर दीजिए, और इसके जो बाइट आएंगे वो भी बहुत टेस्टी लगेगा। ऊपर से वापस मैंगो प्यूरी को इस तरीके से डाल दीजिए ताकि देखने में लुक आ जाए, और थोड़े से पिस्ते से इसे डेकोरेट कर दीजिए। हो गई ना रेडी हमारी मैंगो लस्सी। अब हम बना रहे हैं मिक्स फ्रूट लस्सी। इसमें मैं पहले ले रही हूँ ये दही जिसमें हमने चीनी मिक्स करके रखा हुआ था, ये ग्रेटेड एप्पल को जो हमने कैरमलाइज किया था वो एप्पल, इसे हम मिक्स कर देंगे। और इसके अंदर हम थोड़े डेकोरेशन के लिए थोड़े रेसिन्स ऐड करेंगे, किशमिश, ये ब्लैक किशमिश और नॉर्मल किशमिश है, थोड़े एप्पल कटे हुए, थोड़े बनाना कटे हुए, और थोड़े मैंगो, चेरी और पिस्ता के साथ डेकोरेशन। ये हमारा मिक्स फ्रूट लस्सी रेडी हो गया। अब हम बना रहे कच्चे पपीते की लस्सी। इसमें मैंने कैरमलाइज किया हुआ कच्चा पपीता ऐड किया है। ये आप कम बेसी कर सकते हो, आप चाहें तो जो चीज़ आपको ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा डाल दो। ये मैंने कोकोनट, फ्रेश कोकोनट को ग्रेट कर लिया था। फ्रेश कोकोनट का जब क्रंची टेस्ट आता है तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको लस्सी में। और ये नहीं, मैं पूरा कच्चे पपीता का कैरमलाइज किया हुआ को ऐड कर दे रही हूँ। मिक्स कर दिया था, ऊपर से डेकोरेशन किया है। थोड़े से अनार के दाने डाल देते हैं और थोड़े से रेसिन्स डाल देते हैं। ये देखिए टेस्टी हमारी लस्सी रेडी हो गई है। अब मैंने थोड़े से दही में केसरिया कलर ऐड कर दिया है, ये फूड कलर है, और थोड़े से केसर के लच्छे हम ऐड कर देंगे क्योंकि हम बना रहे हैं हमारी लास्ट लस्सी, वो है ड्राई फ्रूट लस्सी। केसर का फ्लेवर बहुत ही अच्छा जाता है लस्सी में। अब हम डाल देंगे पहले, सबसे पहले दही जो हमने फेंट के रखा हुआ था।
अब हम थोड़ा सा इसमें केसरिया फ्लेवर दूध ऐड कर देंगे, दही सॉरी। फिर हम रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे इसमें, इसे हम मिक्स कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, ऑलमोस्ट श्रीखंड जैसा लगेगा टेस्ट एकदम। अब हम इसे ऊपर से और ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर देंगे, थोड़े पिस्ते भी डाल देंगे। ये सारे रोस्टेड वाले ड्राई फ्रूट्स हैं तो इनका क्रंची फ्लेवर बहुत ही अच्छा जाएगा। और ये जो केसरिया दही बनाया था ये विद केसर के साथ, ये हम डाल देंगे पूरा। और ये देखिए हमारी लस्सी रेडी हो चुकी है, इतनी टेस्टी है। और डिफरेंट फ्लेवर्स में बनाइए, अलग अलग तरीके से सर्व कीजिए, खाने में भी अच्छी लगेगी, देखने में भी अच्छी लगेगी। और समर के लिए ये बेस्ट रेसिपी है। थैंक यू।